हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेंथ क्लास के टॉपिक को, और ये वीडियो टेंथ क्लास के बच्चों के लिए डेडिकेटेड है सो दैट उनकी तैयारी एग्ज़ामिनेशन की अच्छी हो। और आज हम लोगों ने चैप्टर वाइज रिवीजन क्लासेस स्टार्ट किया है, और फर्स्ट टॉपिक हम लोगों ने सिलेक्ट किया है इलेक्ट्रिक करंट का। तो आइए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। बेसिकली अगर देखा जाए तो किसी भी मटेरियल को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर मींस ऐसा मटेरियल जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास करे, दैट इज़ कॉल्ड कंडक्टर। इंसुलेटर जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर पाए, इंसुलेटर। और समवेयर कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की प्रॉपर्टी को शो करता हो तो ऐसे मटेरियल को इंसुलेटर सेमीकंडक्टर कहते हैं। कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट करने के साथ ये कंडक्टर की तरह भी बिहेव करता है, और ये नॉर्मली इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंडक्टर की, और कंडक्टर से भी पहले हम लोग बात करते हैं तीन बेसिक चीज़ों की और फंडामेंटल पार्टिकल्स की। तो बात करते हैं हम लोग पार्टिकल्स की, फंडामेंटल पार्टिकल्स की। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स में सबसे पहले आता है आपका इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। दूसरा आता है प्रोटॉन, और तीसरा है हमारे पास न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, नेगेटिव साइन शोज इट इज़ इलेक्ट्रॉन। और चार्ज ऑन प्रोटॉन 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम विद पॉजिटिव साइन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻¹⁹ न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता, इट इज़ न्यूट्रल पार्टिकल, × 10⁻³¹ kg। और मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10⁻²⁻²⁷ kg। मास ऑफ न्यूट्रॉन इट इज़ इक्वल टू 1.68 × 10⁻²⁻²⁷ kg। बेसिकली इन तीन पार्टिकल की हेल्प से ही हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट के प्रॉपर्टी को और मटेरियल के प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। और इन तीनों में भी सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन पे, क्लियर। तो बेसिकली किसी भी बॉडी से अगर हम लोग चार्ज गेन कर रहे हैं या लॉस कर रहे हैं, कोई पॉजिटिव बन रहा है या नेगेटिव बन रहा है, तो ओनली बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन जाता है तो इट बिकम्स नेगेटिव, किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन आता है तो इट बिकम्स पॉजिटिव। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज। तो अभी हम लोग बात करेंगे करंट का, और करंट में डिस्कस करेंगे उसकी प्रॉपर्टी एंड ओम्स लॉ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो I इज इक्वल टू क्यू बाय टी, करंट चार्ज बाय टाइम, क्लियर। तो चार्ज का यूनिट कूलम, तो कूलम पर सेक, सेकेंड इज इक्वल टू एम्पेयर, एम्पेयर। तो करंट इज सेट टू बी 1 एम्पेयर इफ 1 कूलम चार्ज पासिंग थ्रू अ गिवन कंडक्टर पर सेकेंड। तो हम लोग कह सकते हैं चार्ज इज, करंट इज क्यू बाय टी, क्लियर। तो लेट अस सपोज हमारे पास ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हम लोगों ने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, सेल के साथ। तो बेसिकली इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर,
बेसिकली मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। तो जब भी इसको हम लोग पॉजिटिव बैटरी के साथ या पोटेंशियल डिफरेंस के साथ कनेक्ट करते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मली रैंडम मोशन में होते हैं, और जब बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं एक्सटर्नल बैटरी के साथ तो ये पॉजिटिव एंड की तरफ ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं, और जिस एवरेज वेलोसिटी से ड्रिफ्ट करते हैं उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द मटेरियल। और अभी हम लोग बात करते हैं ओम्स लॉ की, और ओम्स लॉ को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग लेट अस सपोज हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस है और हमारे पास ये एमीटर है, और ये हम लोगों ने इस कुछ बैटरीज लगा दी हैं, और इसके अगेंस्ट में हम लोग एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। दिस इज रेजिस्टेंस आर, बैटरी वी, और जैसे ही स्विच को हम लोग ऑन करेंगे की इस स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ से करंट आई फ्लो होना शुरू होगा, और ये करंट से होते हुए यहाँ पर वापस आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू जॉर्ज साइमन हो एट फिक्स्ड टेम्परेचर वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई। जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट भी बढ़ जाएगा एट ए गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर फिक्स होगा। तो इट्स इम्प्लाई वी इज इक्वल टू आई आर, दिस इज नोन एज ओम्स लॉ। और इसमें कौन कौन सी बातें हैं, आर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, आई स्टैंड फॉर करंट, करंट, और वी स्टैंड फॉर वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज नोन एज ओम्स लॉ। एज वी बाई आई इज इक्वल टू आर, अगर हम लोग वोल्टेज और करंट का ग्राफ ड्रॉ करें, वोल्टेज एंड करंट का ग्राफ ड्रॉ करें, इट बिकम्स ये हो गया आई, ये हो गया वी, तो आई वन वी वन, आई टू वी टू, इन दोनों के ग्राफ को अगर देखें पी क्यू टी इस पॉइंट को मान लेते हैं, तो ये एंगल हो गया थीटा, ये भी एंगल होगा थीटा, ये हो गया डेल्टा वी चेंज इन वोल्टेज, ये हो गया डेल्टा आई चेंज इन करंट, तो इन ट्रायंगल पी क्यू टी, पी पी क्यू टी स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा आई इज इक्वल टू टेन थीटा। और अगर हम लोग डेल्टा वी बाय डेल्टा आई को ध्यान से देखें तो दैट इज इक्वल टू आर रेजिस्टेंस, क्लियर। तो वी आई ग्राफ का स्लोप क्या देता है हमें, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, और टेन थीटा स्लोप ऑफ द ग्राफ, और वी आई ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो इट मींस टेम्परेचर इज फिक्स्ड, रेजिस्टेंस इज फिक्स्ड, दिस इज नोन एज ओम्स लॉ। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर ओम्स लॉ, दिस इज द ग्राफ फॉर ओम्स लॉ, एंड फाइनल एक्सप्रेशन फॉर ओम्स लॉ इज वी इज इक्वल टू आई आर, कीपिंग इन माइंड टेम्परेचर मस्ट बी फिक्स्ड, इफ टेम्परेचर इज चेंजिंग देन रेजिस्टेंस कीप्स ऑन चेंजिंग,
then the graph will not be a straight line. Then Ohm's law is, Ohm's law becomes invalid. This is known as Ohm's law. Thank you very much for watching.